10 अप्रैल 2019 इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की जिसने साइंस और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख डाला। जिस स्कैरी ऑब्जेक्ट को अब तक सिर्फ थ्योरेटिकल तरीके से स्टडी किया जाता था वो अब एक तस्वीर के रूप में कैप्चर हो चुका था। ये फोटो किसी और चीज की नहीं बल्कि एक ब्लैक होल की थी। जहां आज से पहले ब्लैक होल्स को सिर्फ इमेजिन किया जा सकता था तो वहीं अब इसे प्रैक्टिकली भी प्रूव किया जा चुका था। लेकिन अभी भी यहां पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। क्या होगा अगर एक इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाता है? क्या कोई ब्लैक होल फ्यूचर में हमारी धरती के कॉन्टेक्ट में आ सकती है? क्या आने वाले समय में सूर्य भी एक ब्लैक होल बन जाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट कि एक ब्लैक होल का अंत कैसे होगा? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं धरती के सबसे पास स्थित V616 मोनोसेरोटिस या A062000 ब्लैक होल के पास, जो धरती से लगभग 3000 लाइट ईयर्स दूर है। और इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा वर्ड जो अपने आप में ही बहुत डरावना है। इसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी शक्तिशाली होती है कि वहां से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कोई एस्टेरॉयड हो, प्लैनेट हो या फिर खुद लाइट ही क्यों ना हो। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट होता है जहां पर फिजिक्स के सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं और यहां तक कि समय भी अपनी स्पीड से धीरे चलने लगता है। इसकी आवाज तो बिल्कुल एक दानों की तरह होती है। इससे पहले कि हम ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बारे में जानें, हमें सबसे पहले स्टार में होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस और उनके इफेक्ट को समझना जरूरी है। एक स्टार का फॉर्मेशन तब होता है जब इंटरस्टेलर गैस और डस्ट क्लाउड ग्रेविटी कारण कोलैप्स हो जाती है। इस प्रोसेस के दौरान ये मैटर एक डेंस कोर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसे प्रो स्टार के नाम से जाना जाता है। प्रो स्टार के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है जो हीट और लाइट के रूप में स्टार के कोर से बाहर आने लगती है, जिसके कारण स्टार हमें चमकती हुई दिखाई देती है। स्टार में हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से बाहर की तरफ यानी आउटर फोर्स क्रिएट होने लगती है जो स्टार के मास को एक्सपैंड करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन उसी समय स्टार की खुद की ग्रेविटी के कारण एक इनवर्ड फोर्स भी क्रिएट होती है जो स्टार के मास को अपने ही सेंटर की तरफ खींचती रहती है। जब एक स्टार अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस और ग्रेविटी के बीच एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से स्टार स्टेबल रहता है और अपने शेप और साइज को भी बरकरार रख पाता है। एक स्टार की लाइफ का सबसे लंबा फेज होता है मेन सिक्वेंस का फेज, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कोर में होता रहता है और ये कई मिलियन या बिलियन सालों तक जारी रहता है। लेकिन जब स्टार के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम होने लगती है तो कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी स्लो हो जाती है और इस वजह से आउटर फोर्स तो कम होने लगती है लेकिन ग्रेविटी का फोर्स वैसे ही रहता है। आउटर और इनर फोर्स के कम और ज़्यादा होने की वजह से स्टार अनस्टेबल हो जाता है और अपने अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है जहां स्टार का कोर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और बहुत तेजी से कंप्रेस होकर एक छोटे से आकार में बदल जाता है। जब कोर इतना डेंस और स्मॉल हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच सकती तो इसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाने लगता है। मैं आपको बता दूं कि स्टार के कोलैप्स होने से लेकर एक ब्लैक होल के निर्माण होने तक के इस प्रोसेस में कई मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। अगर एक स्टार के लाइफ साइकिल को आसान शब्दों में समझाया जाए तो सबसे पहले स्टेलर नेब्यूला के कोलैप्स होने से एवरेज या मैसिव स्टार का जन्म होता है। एवरेज स्टार का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सूर्य, और मैसिव स्टार यानी हमारे सूर्य के करंट मास से हजार लाख या करोड़ गुना मास वाला स्टार। अगर हम एवरेज स्टार की बात करें तो वह आगे चलकर एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है और रेड जायंट से प्लैनेटरी नेब्यूला और अंत में वाइट ड्वार्फ बनकर रह जाता है। लेकिन अगर एवरेज स्टार की बजाय एक मैसिव स्टार की बात करें तो वह आगे चलकर एक रेड सुपर जायंट में बदल जाता है और रेड सुपर जायंट से सुपरनोवा
और अंत में न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। अगर हम अपने प्यारे से सूरज को एक ब्लैक होल में बदलना चाहें जो कि एक एवरेज साइज स्टार है, तो इसके लिए हमें सूरज के करेंट डायमीटर यानी 1.4 मिलियन किलोमीटर के डायमीटर को कंप्रेस करके सिर्फ 4.1 किलोमीटर के डायमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब सूरज एक ब्लैक होल बन सकता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो सूरज कभी भी फ्यूचर में एक ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए एक स्टार के मास को कम से कम हमारे सूर्य के मास से 8 से लेकर 30 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर एक स्टार कंप्रेस होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमारे सूर्य का करंट मास एक एवरेज स्टार के बराबर है, जो कि ब्लैक होल बनने के लिए बिल्कुल भी सफिशियंट नहीं है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 18th सेंचुरी के एंड में मिला था। 1783 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन माइकल को पहली बार डार्क स्टार के बारे में आइडिया आया। उन्होंने कहा कि अगर एक स्टार इतना मैसिव हो जाए कि उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रोंग हो कि वहां से लाइट भी नहीं बच सकती, तो वो एक डार्क स्टार या फिर ब्लैक होल बन जाएगा। ये पहली बार ही था जब ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना शुरू किया गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी डेवलप की, जो 1915 में पब्लिश हुई। इस थ्योरी ने बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड कर सकती है। ये ब्लैक होल्स के आइडिया को समझने के लिए बहुत ही जरूरी था। 1916 में कार्ल ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जो एक नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल को डिस्क्राइब करता है। ये डिस्कवरी ब्लैक होल थ्योरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थी। फिर 1960s और 1970s में दो साइंटिस्ट रोजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के थ्योरी को आगे बढ़ाया। पेनरोज ने 1965 में बताया कि ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटीज होती है, जहां स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। इसके बाद हॉकिंग ने भी 1971 में डिस्कवर किया कि ब्लैक होल से रेडिएशन भी निकलती है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन का नाम दिया गया। इस डिस्कवरी की वजह से लोगों को ब्लैक होल के बारे में और भी नई कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सका। अभी तक ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक थ्योरेटिकल तरीके से ही स्टडी किया जा रहा था, लेकिन यह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट 11 अप्रैल 2017 को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में बदल जाता है। अभी तक जहां ब्लैक होल्स को सिर्फ इमेजिन किया जा सकता था, तो वहीं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने यानी ईएसटी ने 11 अप्रैल 2017 को ब्लैक होल का पहला डायरेक्ट इमेज कैप्चर किया। हालांकि इस इमेज को 2 साल बाद यानी 10 अप्रैल 2019 को पब्लिश किया गया, जिसके बाद ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली भी प्रूव कर दिया गया। ये ब्लैक होल मेजर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जो हमारी गैलेक्सी से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का एग्जाम्पल है, जिसका मास हमारे सूर्य के मास से लगभग 6.5 बिलियन टाइम्स ज़्यादा है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जब एक ब्लैक होल के पास ना तो लाइट होती है और ना ही कोई विजिबल सरफेस, तो फिर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इस ब्लैक होल की इमेज को कैसे कैप्चर किया, और इसके अलावा साइंटिस्ट भी एक ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं, आइए समझते हैं। ब्लैक होल्स का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट उनके आसपास के रीजन के बिहेवियर और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान ब्लैक होल के आसपास ग्लोइंग गैस और रेडिएशन रिलीज होती रहती है, जिसे साइंटिस्ट स्टडी करके ब्लैक होल का पता लगाते हैं। और सेम इसी तरह से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने भी ब्लैक होल के चारों तरफ के ग्लोइंग गैस और रेडिएशन को ऑब्जर्व करके पहली बार इस ब्लैक होल की इमेज को कैप्चर किया। इस तरह के ऑब्जर्वेशन से हम इनडायरेक्टली ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अगर हम ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो एक ब्लैक होल के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल की वो सेंटर पॉइंट होती है जहां उसकी सारी मास और एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है। नंबर 2 इवेंट होराइजन, ये ब्लैक होल का वो लास्ट बाउंड्री होती है जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल काला काला सा हो जाता है, इसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। नंबर 3 एक्रीशन डिस्क, एक्रीशन डिस्क एक फ्लैट या सर्कुलर डिस्क होती है जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये डिस्क गैस और डस्ट से बनी होती है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर स्पाइरल शेप में मूव करती रहती है। जब डिस्क के मटेरियल गर्म हो जाते हैं तो उससे ब्राइट लाइट और एक्सरे इमिट होने लगती है, जिसके कारण ये टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 4
जेट्स। जेट्स ब्लैक होल के पोल से हाई स्पीड पार्टिकल्स के स्ट्रीम होते हैं जो एक्रेशन डिस्क से पिक किए जाते हैं और ब्लैक होल के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू स्पेस में शूट कर दिए जाते हैं। ये जेट्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनके द्वारा शूट किया गया पार्टिकल एक गैलेक्सी में करोड़ों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। नंबर 5, एर्गोस्फीयर। एर्गोस्फीयर एक रोटेटिंग ब्लैक होल के आसपास का वो रीजन है जहां स्पेस और टाइम इतने ट्विस्ट हो जाते हैं कि वहां से कुछ भी वापस निकल के आ नहीं सकता। इस रीजन में ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल की रोटेशन की डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। लास्ट एंड नंबर 6, फोटोस्फीयर। लाइट ब्लैक होल के पास जाते ही उसकी इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल में फंस जाती है। जब फोटॉन्स इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेते हैं तो एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाती है और इसलिए कोई भी लाइट ब्लैक होल से वापस नहीं आ पाते। बाय द वे, लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है लेकिन ब्लैक होल के अंदर एंटर करने के बाद ये सारे रूल ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सब वो पार्ट्स हैं जिससे मिलकर एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब बात करते हैं ब्लैक होल के टाइप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स एक मैसिव स्टार के कोलैप्स होने से बनते हैं। इनका मास जनरली हमारे सूरज के मास से 8 से लेकर 30 गुना ज़्यादा होता है। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के डिफरेंट रीजन में पाए जा सकते हैं। सिजनस X1 एक फेमस स्टेलर ब्लैक होल का एग्जाम्पल है। ये ब्लैक होल एक बाइनरी सिस्टम में है जहाँ एक स्टार अपनी मास ब्लैक होल को ट्रांसफर करता है। इसका डिस्कवरी 1960s में हुआ था। नंबर 2, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स जनरली गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं और इस तरह के ब्लैक होल्स का मास हमारे सूर्य के मास के मिलियंस या बिलियंस गुना ज़्यादा होता है। आप खुद समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा होगा। इस तरह के ब्लैक होल का फॉर्मेशन का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी रिसर्चर्स के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सजिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका मास लगभग 40 लाख सूरज के बराबर है और ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है। नंबर 3, इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका मास स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बीच में होता है, यानी हमारे सूर्य के मास का 100 से लेकर 1000 गुना तक। HLX1 एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का कैंडिडेट है जो एक गैलेक्सी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। लास्ट एंड नंबर 4, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स बिग बैंग के दौरान यूनिवर्स के इनिशियल मोमेंट में बनते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स का मास कितना हो सकता है इसके बारे में अभी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स का कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि अब तक उनका ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है। हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें इनके बारे में और भी नई इन्फॉर्मेशन पता चले। हमें ये चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती है कि ब्लैक होल के पास टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है। क्या ये बात सच है? और सच है तो फिर ये पॉसिबल कैसे है? आइए समझते हैं। टाइम डायलेशन का मतलब है कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के फील्ड में होते हैं, जैसे कि एक ब्लैक होल के पास, तो टाइम आपके लिए बहुत ही स्लो हो जाता है। अगर हम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझे, तो मान लीजिए कि आप एक स्पेस शिप में बैठकर धीरे धीरे ब्लैक होल के बहुत पास होते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जा रहे हैं वैसे वैसे समय आपके लिए बहुत ही धीरे होते जा रहा है। हालांकि यह आपको स्पेसशिप में बैठकर महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप धरती पर वापस आते हैं तो आप देखेंगे कि धरती पर सारे लोग, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे या फिर उनकी नई पीढ़ी भी जन्म ले चुकी होगी। या अगर आप किसी भी तरह से ब्लैक होल के अंदर जाकर एक मिनट भी गुजारते हैं तो धरती पर वह एक मिनट लाखों या करोड़ों सालों के बराबर हो चुका होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल के पास इतनी इंटेंस ग्रेविटी होती है कि वहाँ टाइम भी धीरे चलने लगता है। यह टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एक और बहुत ही पॉपुलर सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि क्या होगा अगर एक ब्लैक होल हमारे अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ जाए, और क्या कभी ऐसा सच में हो सकता है? देखो, अगर अर्थ एक ब्लैक होल के पास आती है तो धीरे धीरे अर्थ ब्लैक होल के अंदर खींचने लगेगी। इस प्रोसेस को स्फेक्टिफिकेशन कहा जाता है। इसमें अर्थ के साथ साथ सब कुछ लंबा और बिल्कुल पतला होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा अर्थ ब्लैक होल के पास आएगी उतना ही ज़्यादा वो ग्रेविटी के इफेक्ट में आएगी। पहले अर्थ के सरफेस पर टाइड्स और अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे और फिर धीरे धीरे अर्थ ब्लैक होल की तरफ खींचती चली जाएगी।
जब अर्थ इवेंट होराइजन को क्रॉस करेगी तो सब कुछ एकदम से ब्लैक होके अंदर चला जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या कभी ऐसा सच में हो सकता है? चांसेस है कि अर्थ इन फ्यूचर ब्लैक होल के कॉन्टेक्ट में आएगी, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई ऐसे ब्लैक होल है ही नहीं जो अर्थ को अपनी तरफ खींच सके। जो भी ब्लैक होल सब तक हमने डिटेक्ट किया है वो सभी हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए अर्थ के ब्लैक होल के कॉन्टेक्ट में आने के चांसेस 0.101% है, यानी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। साइंस फिक्शन में ऐसे सिनेरियो को अक्सर एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमारे लिए अभी तक ऐसा कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अच्छा, हमने अब तक यह डिस्कस किया कि अगर एक अर्थ ब्लैक होल के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है। जैसे हमने इंटरस्टेलर मूवी में देखा कि उसमें एक इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इमेजिन कि अगर एक इंसान सभी बाउंड्रीज को पार करते हुए ब्लैक होल के अंदर चला जाता है तो वो एक ऐसी जगह में एंटर करेगा जहाँ से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद उस आदमी के साथ क्या होगा ये तो वही जाने, लेकिन कुछ थ्योरी जरूर हैं जो इसके बारे में कुछ बातें समझाती हैं। ब्लैक होल के अंदर का एनवायरनमेंट अब तक नहीं समझा जा सका है, लेकिन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अंदर टाइम और स्पेस दोनों ही डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि अंदर जाके वो आदमी किसी सिंगुलरिटी पॉइंट पर पहुंच जाए जहां डेंसिटी कम्प्लीटली इनफाइनाइट हो जाती है, और ये वो जगह है जहां फिजिक्स के सारे रूल्स काम करना बंद कर देते हैं। उस आदमी के साथ अंदर क्या होगा ये अभी तक थ्योरी से आगे नहीं बढ़ा है, और इसके बाद वो इंसान ब्लैक होल से बाहर निकलना चाहे तो प्रैक्टिकल टर्म्स में ब्लैक होल से निकलना थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से वो आदमी ब्लैक होल के अंदर से बाहर निकल जाता है तो उसके लिए ये ऑलमोस्ट फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जैसा होगा। इसकी बात हमने अभी टाइम डायलेशन में की थी। हम सब जानते हैं कि जो भी चीज़ आज जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही होगा, चाहे वो कोई इंसान हो, प्लैनेट हो, या फिर खुद ब्लैक होल ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे? आइए समझते हैं। ब्लैक होल्स का अंत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हॉकिंग रेडिएशन है। ये थ्योरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने प्रपोज की थी। हॉकिंग रेडिएशन कहता है कि ब्लैक होल्स अपने सराउंडिंग से एनर्जी इमिट करता रहता है। इस प्रोसेस में ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी मास को भी खोता रहता है। ये रेडिएशन इतनी छोटी होती है कि ब्लैक होल को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एनर्जी रिलीज करने में। हॉकिंग रेडिएशन के अकॉर्डिंग ब्लैक होल धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाता है। जब एक ब्लैक होल अपनी मास को लूज करता रहता है तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट भी होता जाता है। छोटे ब्लैक होल्स ज़्यादा तेजी से इवेपोरेट होते हैं, और बड़े ब्लैक होल्स जैसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का इवेपोरेशन में बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। और अंत में एक ऐसा समय आता है जब ब्लैक होल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि उनका इवेपोरेशन प्रोसेस कम्प्लीटली एक्सेलरेट हो जाता है और वो एकदम से खत्म हो जाते हैं।